हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फोर टक्स ब्लाउज स्टिचिंग करने वाली हूँ और आपको अगर इसका कटिंग देखना है तो मेरा चैनल में मिल जाएगी, आप उसमें जाके देख सकती हो। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। देखिए ये मतलब अस्तर का ब्लाउज, अस्तर लगा हुआ है। देखिए ये ब्लाउज पीस है, ये अस्तर है। तो मैंने ऐसा उसको ये ड्रॉ करके लिया, फिर इसको जॉइंट करके लेती हूँ मैं। देखिए इस तरह से इसको जॉइंट करना है पूरा ब्लाउज को। इस तरह से मैं इसको सिलाई टिप मार के ले रही हूँ। देखिए इसको पूरा मैंने इसको टिप मार के लिया। देखिए दोनों पार्ट को मैंने पूरा मतलब साइड से पूरा पैक करके लिया, सिलाई करके लिया। देखिए अभी देखिए इसको टक्स देना है, ये फ्रंट का जो साइड है इसको अभी टक्स देना है। तो देखिए इस तरह से इसको पकड़ना है और मैं हाफ इंच लेके इसको टक्स दे रही हूँ। देखिए इस तरह से, क्योंकि इनका कटोरी मीडियम है, ये भी रहते तो एक इंच का टक्स देना पड़ता था, उसके लिए अलग माप भी है। देखिए मैं हाफ इंच का टक्स दे रही हूँ। यह देखिए, यह भी मैं पाव पाव इंच का टक्स दे रही हूँ। यह टोटल एक हाफ इंच का है, पाव पाव इंच का टक्स दे रही हूँ। कपड़ा को ठीक से पकड़ना है, इस तरह से इसको लाइन लगा के लेना है। अभी देखिए इसको भी इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से इसका यह भी पाव पाव इंच का टक्स। देखिए यह भी पाव पॉइंट्स का टक्स है। देखिए ये मैंने टक्स लगा दिया। देखिए इस तरह से, अभी देखिए कटोरी का शेप इस तरह से आया, दोनों फ्रंट को मैंने टक्स लगा दिया। देखिए दोनों इस तरह से कटोरी का जो शेप है, देखिए इस तरह से कटोरी का शेप बहुत ही अच्छा आ जाती है। अभी देखिए नीचे का जो बेल्ट है वो मैं जॉइंट करने वाली हूँ, तो उसको किस तरह से जॉइंट करना है अभी देखिए। ये जो बेल्ट है, बेल्ट को इस तरह से मैं जॉइंट कर रही हूँ। देखिए ये सीधे के साथ सीधा लिया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पहला कटोरी के साथ जॉइंट करके ले रही हूँ। देखिए डबल टिप मार के लेती हूँ। देखिए इस तरह से आया, फिर मैं उसके बाद दिखाती हूँ इसको क्या करना है। अभी देखिए इस तरह से मैंने इसको टिप मार लिया, इस तरह से। ये देखिए अभी क्या करना है, इसको कैसा इस तरह से मतलब बिठाने का है। अभी देखिए यहाँ से इसको रोल करना है, इस तरह से। देखिए धीरे धीरे इसको रोल करना है। रोल करने के बाद अभी देखिए इस तरह से इसको लेना है, इसको अंदर ही रखना है, फिर इसको टिप मार के लेना है। पहला तो आप जो बैक साइड का पार्ट है उसके साथ आर्म होल का जो कमर और बैक साइड वो बराबर ये करके लीजिए, देख लीजिए आपका कपड़ा अगर ज़्यादा है तो फिर वो हिसाब से फिटिंग कर दीजिए। अभी देखिए इसको इस तरह से उसको धीरे धीरे आराम से उसको बाहर निकालना है। देखिए इस तरह से उसका बेल्ट, नीचे का जो बेल्ट है, देखिए इस तरह से इसका बेल्ट, इस तरह से बेल्ट को बाहर निकालना है। देखिए इस तरह से दोनों फ्रंट को मैंने नीचे का पट्टी लगा लिया,
अभी बैक साइड को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बैक साइड को मैंने इस तरह से रखा, ये जो सीधा है वो अंदर की तरफ, क्योंकि नीचे मैं कोई भी पट्टी नहीं लगाने वाली हूँ, मैं हाफ इंच पकड़ के उसको सिलाई करके देने वाली हूँ। आप चाहे तो पट्टी लगा कर ले सकते, तो मैं नहीं लगा रही हूँ। तो इसको हाफ इंच पकड़ के फिर इसको अभी दब टिप लगा रही हूँ। अब इसको इस तरह से मैं इसको एक दाब टिप लगा के दे रही हूँ। देखिए इस तरह से दाब टिप लगा लिया मैंने। अभी देखिए पूरा ब्लाउज़ को मैं उसको सिलाई करके लेती हूँ साइड से। अभी देखिए पूरा इसको मैं चारों तरफ उसको सिलाई लगा के लिया, गले पे भी, ये आर्म होल को भी पूरा उसके ये किया। अभी देखिए टक्स दे रही हूँ मैं इसको, इस तरह से पकड़ना है। देखिए यहाँ से देखिए मैं 5 इंच पे निशाना कर रही हूँ। देखिए मैं इसका कटिंग भी दिखाया कितना लेना है, आप उसमें जाके देख सकते हो मेरा दूसरा चैनल पे जाके। देखिए यहाँ हाफ इंच का टक्स चाहिए, तो यह भी मैं थोड़ा मार्क पीछे से भी यहाँ थोड़ा ड्रॉ करके लेती हूँ यहाँ से, इस तरह से। देखिए इस तरह से अभी हाफ इंच का इस तरह से पकड़ना है, और आपको इस तरह से हाफ इंच का टक्स, टोटल 1 इंच का टक्स होना चाहिए। बैक साइड का टक्स लगा लिया इस तरह से, ये लग गई टक्स। अभी देखिए मैं स्लिप्स का दिखाती हूँ। स्लिप्स पे भी मैं जो मोरी है वह मैं दंड, मतलब मोरी पे मैं कोई तुरपाई नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मशीन का सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़ा इस तरह का है। इसे देखिए मैंने इसको अंदर का तरफ लिया, अभी इसको भी पार्टी करके लेना है। इसको भी नीचे से दाब टिप लगाना है। देखिए ये साइड में होना चाहिए दाब टिप का। देखिए इस तरह से मैं दोनों स्लिप्स को दाब टिप लगा लिया। अभी इसको सीधा करके ऐसा लेना है। अभी लेने के बाद इसको देखिए इस तरह से इसको फिर से टिप मारना है। यह टिप लगा लिया। अभी यहाँ देखिए यहाँ भी अब पैक करके लेना है, इसको सिलाई मार के लेना है। अभी दोनों बाही को पूरा सिलाई लगा लिया चारों तरफ इस तरह से। देखिए इस तरह से तो लगाने के बाद अभी देखिए मैं जो बैक साइड है उसके साथ ये फ्रंट शोल्डर पे लगा रही हूँ। देखिए अभी शोल्डर जॉइंट करना है इस तरीके से। देखिए दोनों को हाफ इंच पकड़ के सिलाई मारना है। को भी लगा लेती। देखिए दोनों शोल्डर जॉइंट हो गई। अभी इसका पूरा बाही लगा के देखना है। देखिए बाही को पहला मिडिल करके लेना है। देखिए इस तरह से एक से इसको कट लगा के लेना है, और आपको ध्यान रखना है जो फ्रंट का है फ्रंट के साथ ही लगाना है, जो बैक साइड का है वो बैक साइड के साथ ही लगाना है, नहीं तो उल्टा शुल्टा हो जाएगी। देखिए ये फ्रंट का है, मैं फ्रंट पे लगा रही हूँ। देखिए और एक बार देखिए आगे वाला फ्रंट का है। इस तरह से उसको मिडिल पे रखना है। देखिए शोल्डर पे जिधर काट लगाया उसको इस तरह से रखना है, फिर उसको इस तरह से देखना है
ये बराबर है कि नहीं, देखिए एकदम बराबर परफेक्ट है, देखिए। तो फिर मैं इसको लगा के ले रही हूँ, चाहे तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो, मैं यहाँ से लगा रही हूँ। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, आराम से लगा के लेना है। देखिए दोनों एकदम बराबर है, इसको डबल टिप लगा के लेना है। इसको डबल टिप लगा के लेते हैं। देखिए इस तरह से भाई को जोड़ लिया, देखिए इस तरह से भाई को जोड़ना है। देखिए देखिए ये ब्लाउज़ का काज बटन करना है। तो देखिए इसका जो पुट्टी है वो लगा के लेती हूँ। तो मैं काज के लिए देखिए कॉटन का ये मतलब आस्तर लिया, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही ये है तो ख़राब हो जाएगी, तो इसके लिए मैं इसको लिया। इतना देखिए डबल करके ऐसा लिया। लेने के बाद इसको अभी देखिए इसको इसका ऊपर लेना है, ये कांच के लिए लगा रही हूँ, मतलब ये इस तरह से। फिर इसको इस तरह से दाब टिप लगा के लेना है। फिर अभी इसको अंदर इस तरह से मोड़ना है, देखिए अभी देखिए बटन के लिए इसको मैं फोल्ड करके लेती हूँ, क्योंकि नीचे बेल्ट लगा हुआ है। देखिए इस तरह से लेने का है, देखिए डबल करके 2 इंच का लिया मैंने, और वो 1.5 इंच का डबल करके इस तरह से ले लीजिए, हो जाएगा। अभी देखिए इसको नीचे से लगाना है, इस तरह से इसको लगाना है नीचे से। इसको भी दाब टिप लगा के लेना है। इस तरह से हमेशा आपका कपड़ा इस तरफ होना चाहिए जब भी दाब टिप लगाना है। फिर देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से इसको फोल्ड। अभी देखिए ये दोनों ब्लाउज़ का जो हो काज बटन का घर है, दोनों को इस तरह से लगा के देखना है आपका। अगर यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ से दोनों को बराबर करके थोड़ा सा शेप में दे दीजिए, फिर शेप में आ जाएगी। अभी देखिए गले के लिए मैंने ये कर रही हूँ, पाइपिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ सिलाई भी कर सकते हो। तो देखिए इसके लिए कपड़ा को इस तरह से क्रॉस लेना पड़ता है, इस तरह से कपड़ा को क्रॉस लेना पड़ता है, मतलब पाइपिंग के लिए, चाहे कोई भी गले पट्टी के लिए क्रॉस कपड़ा से अच्छा हो जाती है। देखिए इस तरह से उसको क्रॉस लेना है। अगर क्रॉस का जो पुट्टी है वो ज़्यादा बड़ा है तो और अच्छा होती है।
अभी देखिए जो पाइपिंग का ये है कपड़ा है, क्रॉस काट लिया। अभी देखिए इस तरह से रखना है उसको। अभी ये दोनों को इस तरह से जॉइंट करके लेना है, फिर इसको फोल्ड करके लेना। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से टिप लगा लिया मैं कुर्ती को। अभी देखिए ये जो सिलाई लगाया मैंने, इसको अंदर से इस तरह से थोड़ा सा नोचना है इस तरह से। देखिए ये कपड़ा को इस तरह से, देखिए इस तरह से उसको कपड़ा को ये करके लेना है, फिर इसको इस तरह से पकड़ के उसको सिलाई मार के लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से जो पाइपिंग करने वाला है, इस तरह से मैं इसको टिप मार लिया। देखिए सिलाई कर लिया इस तरह से। अभी देखिए इसको किस तरह से लगाना है। पहला तो इसको इस तरह से लेना है, इसको गले के साथ। देखिए फिर इसको आराम से, ज़्यादा खींचना तानना नहीं है, फिर पाव इंच पकड़ के इसको पूरा लगा के लेना है। देखिए ये मैंने लगा लिया गले में पुट्टी, ये देखिए पूरा लगा लिया। अभी लगाने के बाद इसको काट मारने का, पूरे गले को ऐसा हल्का हल्का इसको इस तरह से काट मार के लेने का पूरे गले को। तो लेने के बाद देखिए पूरे गले को मैंने कट लगा लिया। अभी इसको इस तरह से पकड़ना है। देखिए ये कपड़ा जो है इसका अंदर होना चाहिए। देखिए इस तरह से पाइपिंग के लिए इस तरह से उसको इस तरह से होना चाहिए। इसको ठीक से पकड़ना है और इस तरह से धीरे धीरे उसको पाइपिंग करके लेना है, कपड़ा को इसका अंदर रख के। तो इस तरह से मैं पूरा ब्लाउज़ को पाइपिंग लगा लिया। देखिए इस तरह से पूरा गले को मैं पाइपिंग कर लिया। अभी देखिए आपको, आप चाहे तो हाथ सिलाई भी आप कर सकते हो, मैंने पाइपिंग कर दिया। देखिए अभी ब्लाउज़ को फिटिंग करना है। ब्लाउज़ को इस तरह से सीधा ही लेना है, नहीं तो ये बॉडी पे चुभेगा। दोनों जो ये है आर्म होल का जो सिलाई है, बाही स्लिप्स लगाए, वह आपको इस तरह से पकड़ना है। फिर इसको टिप मारना है हल्का, पाव पाव इंच लेके इसको टिप मारना है। देखिए इस तरह से मैं दोनों तरफ सिलाई लगा लिया। अभी इसको फिटिंग करना है। आप आपका हिसाब से फिटिंग कर लीजिए। आपको जितना मतलब कमर है, अरमौरी है स्लिप्स का, उतना आप रख दीजिए, फिर उसको फिटिंग कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको पकड़ना है। मैंने टिप लगा लिया। आपको जितना कमर है और मोहरी जितना है, वो आपका हिसाब से रख के उसको फिटिंग कर दीजिए। तो ब्लाउज रेडी हो गई। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको।